खरगोन के सुखपुरी मस्जिद कमेटी ने इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले यति नरसिंहानंद महंत पर एफआईआर दर्ज कर रासुका जैसी कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कर बताया कि इस्लाम धर्म के पैगंबर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले यति नरसिंहानंद महंत के द्वारा आपत्तिजनक एवं अपमानजनक जो बार बार टिप्पणी की जा रही है वह ना काबिले बर्दाश्त है। नरसिंहानंद जैसे ओछी मानसिकता के लोगों पर रासुका जैसी कठोर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई व्यक्ति इस तरह की हिमाकत न कर सके। सुखपुरी मस्जिद कमेटी के नायब सदर एडवोकेट शाहरुख मिर्जा का कहना है कि नरसिंहानंद जैसे खुरापाती मानसिकता वाले लोग ऐसी ओछी हरकत पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ कर देश में भाई को भाई से लड़वाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। के संबंध में आपने ज्ञापन दिया आज? आज हम ये खरगोन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें इस्लाम के पैगंबर हमारे नबी साहब के खिलाफ नरसिंहानंद महाराज के द्वारा आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की गई। वो आए दिन ऐसे कृत्य करते रहते हैं क्योंकि इससे कहीं ना कहीं देश के अंदर भाई से भाई को लड़वाया जाए और ये इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इस तरीके के नहीं होना चाहिए। कानून किसी को इजाज़त नहीं देता कि किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करे। हम आपके मीडिया के माध्यम से मुस्लिम भाइयों तक भी एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जहां भी आपको इसका विरोध प्रदर्शन करना हो या इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाना हो तो वो लॉ एंड आर्डर कानून व्यवस्था के अंतर्गत करवाए। कानून व्यवस्था हाथ में ना ले क्योंकि इनकी मंशा तो यही है। ये टिप्पणी इसीलिए करते हैं कि मुस्लिम समाज में आक्रोश फैले और वो कुछ गलती करे और देश के अंदर भाई से भाई को लड़वाया जाए। क्या नाम लिखते सर आप? मेरा नाम एडवोकेट शाहरुख मिर्जा है। ये सुखपुरी मस्जिद कमेटी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।